मेरे को पता चला एक एमएलए है 2000 रुपए महीने की नौकरी करता था पहले, 5 साल एमएलए रहा, अब 20,000 करोड़ का मालिक है। एक और एमएलए है, 4 एकड़ जमीन थी चुनाव के पहले, 5 साल के अंदर 1000 एकड़ जमीन हो गई। इन सबको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जिन जिन लोगों ने गुजरात को लूटा उनको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इनसे गुजरात का एक एक पैसे का हिसाब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? इनसे सारा पैसा निकलवाएंगे जो 27 साल में इनके नेताओं ने पैसा लूटा है, इनके अंदर पेट के अंदर हाथ डाल के सारा पैसा बाहर निकाल लेंगे, जो सारा पैसा एक एक पैसा निकलवाएंगे इन लोगों से। ये कहते हैं फ्री देने से अर्थव्यवस्था खराब होती है, अरे फ्री देने से अर्थव्यवस्था खराब नहीं होती है, गुजरात का खजाना लूटने से अर्थव्यवस्था खराब होती है। इस लूट को बंद करेंगे, ईमानदार सरकार आएगी। आज दिल्ली में सब कुछ फ्री है फिर भी शानदार अर्थव्यवस्था है, क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार है। आप लोग भी इस बार ईमानदार सरकार लेके आओ, गुजरात में सब कुछ फ्री होगा और शानदार अर्थव्यवस्था होगी। सारा कर्जा साफ कर देंगे, गुजरात का बजट भी नफे में आएगा, प्रॉफिट में आएगा।